नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत अधिक जबरदस्त है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका आपको 5 सालों में एक बार प्रयोग करना है और आपको 5 सालों तक दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं, इस नुस्खे का प्रयोग आपको सिर्फ 10 दिन के लिए करना है 5 सालों में एक बार, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले 5 सालों तक आपको दर्द नहीं होगा। इतना जबरदस्त ये नुस्खा है। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हमें कभी भी सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, दवाइयों की तरफ साथ के साथ भागते हैं, साथ के साथ डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं और वहां से पेन किलर वगैरह लेकर खा लेते हैं। पर मैं आपको बता दूं, अगर हमें उनकी जरूरत नहीं है और बिना उसके हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। और दोस्तों ये नुस्खा एक ऐसा है जो अगले 5 सालों तक आपको दर्द से छुटकारा दिला देगा, और अगर मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करूं तो वो भी कोई नहीं। दोस्तों जैसे गर्दन का दर्द हो गया, गर्दन का दर्द एक विचित्र स्थिति है जिसमें हमें बहुत भारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और हमारा पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। दोस्तों अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग कर लेते हैं तो आपका गर्दन का दर्द दवाइयों से भी तेजी से खत्म हो जाएगा, दवाइयों से भी ज्यादा असर दिखाता है ये नुस्खा। तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, और आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है और इस नुस्खे के लिए जो सामग्री चाहिए वह क्या क्या चाहिए। दोस्तों इस नुस्खे के लिए आपको सिर्फ ये 2 सामग्री चाहिए। पहला चाहिए नमक, उच्च क्वालिटी का कोई भी आप नमक ले सकते हैं, और दूसरा चाहिए आपको ऑलिव ऑयल, या आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या सूरजमुखी का तेल ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको एक चीज का सावधानी बरतनी है कि जो आपको तेल लेना है, तेल 2 तरह का आता है, एक रिफाइंड ऑयल एक अनरिफाइंड ऑयल, आपको अनरिफाइंड ऑयल का ही प्रयोग करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। दोस्तों आपको आपको नजदीकी शॉप से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से इन दोनों चीजों को भी बाय कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो दोस्तों आइए अब बताते हैं कि इस नुस्खे को आपको बनाना कैसे है, फिर बताएंगे कि इसका प्रयोग आपको करना कैसे है। अगर मैं बात करूं इस नुस्खे को, तो इस नुस्खे के लिए आपको एक कांच का बर्तन चाहिए। ये मैंने कांच का बर्तन ले लिया। आपको इसको कांच के बर्तन में मिलाना है, कितना, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप औषधि बना सकते हैं। कम जरूरत है तो कम बना सकते हैं, अधिक जरूरत है तो अधिक बना सकते हैं। पर नुस्खा आपको बनाना इस तरह से है कि आपको 1 चम्मच इस नुस्खे में नमक का लेना है। ये मैं 1 चम्मच नमक ले रहा हूँ, और 1 चम्मच अगर आप नमक लेंगे तो 2 चम्मच आपको ऑलिव ऑयल लेना है। 1 चम्मच आपने नमक लिया तो 2 चम्मच आप ऑलिव ऑयल लें। ये मैं 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ले रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप उस नुस्खे का प्रयोग करें। अगर आप ये 5 चम्मच लेंगे तो उसको 10 चम्मच लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये जैसे मैंने 5 चम्मच लिया, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया तो 2 चम्मच मैंने इसका लिया। अगर आप 5 चम्मच लेंगे तो आपको 10 चम्मच जैतून का तेल का लेना है, जितना आप बनाना चाहें। इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, जैसे मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अभी ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अभी मेरा नुस्खा तो रेडी है पर अभी ये प्रयोग करने के लिए रेडी नहीं हुआ। अब आपको करना क्या है, कोई भी कांच का जार लेना है, जैसे कि मेरे पास जार है, ये देखिए एयरटेल जार आपको लेना है। आपको कोई भी कांच का जार लेना है और उसके अंदर इसको डालना है और 2 दिन के लिए कहीं रख देना है ठंडी जगह पर। 2 दिन के लिए आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज के बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बाहरी प्रयोग के लिए, क्योंकि इसका आपको सेवन तो नहीं करना है, ये बाहरी प्रयोग के लिए है, तो आप इसको बाहर भी रखे रहने दें। तो दोस्तों ऐसे कांच का जार लेकर जो एयर टाइट हो उसमें आपको इसको 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन में इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, 2 दिन के बाद ये आपका नुस्खा रेडी है आपके प्रयोग करने के लिए। अब बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है और ये किस किस चीज में काम करेगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या क्या आपको मिलेगा। दोस्तों अगर मैं इसके प्रयोग की बात करूं तो आपको सुबह जहां भी आपको गर्दन में दर्द है वहां पर इसकी हल्के हाथ से मसाज करनी है। 2-3 मिनट की मसाज से आप शुरू करें, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते जाएं। आप मैक्सिमम 20 मिनट तक मसाज कर सकते हैं इसकी। सुबह आपको मसाज करनी है और आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल हल हो जाएगी। इसको मसाज करने के बाद आपको कोई भी गीला तौलिया लेकर उसके बाद उसको साफ कर लें। दोस्तों इसको लगाने के बाद आपको अगर जलन होती है अपनी त्वचा में तो आप भी जो बच्चों का पाउडर लगाते हैं उस पाउडर को लगा लें तो आपकी जलन बंद हो जाएगी।
अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इसकी मसाज कितने टाइम के लिए करनी है और कितनी देर बाद हमें तौले से साफ करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में आप 2 से 3 मिनट से स्टार्ट करें और मैक्सिमम 20 मिनट। आप जैसे आज पहला दिन है आप तो 2 से 3 मिनट आप स्टार्ट करें, 2 से 3 मिनट मालिश करने के बाद आप उसको गीले तौलिए से साफ कर लें और मैक्सिमम आप 20 मिनट तक, जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम 20 मिनट के बाद आप इसको गीले तौलिए से साफ कर लें। अब बात आती है कि इसके रिजल्ट की, कि इसका रिजल्ट आपको क्या क्या मिलेगा, किन किन में ये काम करेगा। दोस्तों आपको 10 दिन ये औषधि का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपके ये खून के बहाव को बढ़ाएगी, इससे आपके खून का बहाव बढ़ जाएगा और आपकी मांसपेशियों के पुनर्जीवित करने का काम भी करेगी। इससे आपके तंत्रिका तंत्र और हड्डियों को ये मजबूत करने का काम भी करेगी। दोस्तों इतनी जबरदस्त ये नुस्खा तैयार हो जाएगा, आपके इन तीनों कामों में एक रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। दोस्तों इसके इलाज के बाद आपका सरदर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपको कभी भी सरदर्द के लिए औषधि की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप में से ये जानते हो बहुत सारे लोग सरदर्द से परेशान रहते हैं, किसी को आधे सिर में दर्द रहता है, किसी को पूरे सिर में, इससे आपका सरदर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसके प्रयोग से आपके सर का दर्द है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहेंगे कि कहीं इसकी सिर पे मसाज तो नहीं करनी, मैं आपको बता दूं सिर पे मसाज नहीं करनी है, जहां पर गर्दन में दर्द है आप वहीं पर इसकी मसाज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके खून का बहाव ये तेज कर देगी, जिससे कि आपके सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। दोस्तों इससे आपकी आंखों की रोशनी पर भी फर्क पड़ेगा, आंखों की दृष्टि भी इससे बढ़ेगी, ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम भी करेगी, आपके सिर दर्द को सही करेगी, आपके पाचन तंत्र को सही करेगी, आंखों की दृष्टि को बढ़ाएगी, क्योंकि जहां पर आप इसकी मसाज करेंगे वहां से जो इसके गुण है आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत अधिक फर्क दिखेगा, जैसे आपके खून के बहाव को तेज होगा, बहुत सारी बीमारियां उससे ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके प्रयोग करने से थोड़ा सा आपको असहज लगेगा, पर वो बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर आपको अगर अधिक कुछ भी इसका रिएक्शन दिखाई दे तो आप इस औषधि का प्रयोग तुरंत बंद कर दें। पर इसका वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर हर व्यक्ति होगी उसकी तासीर अलग अलग होती है, उसकी बॉडी की कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए अगर आपको इसका कोई भी इफेक्ट लगता है आपके अकॉर्डिंग तो आप इस औषधि का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। वैसे इस औषधि का प्रयोग करके आपका गर्दन का दर्द हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगा, आपको कभी सर के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगी, आपके आंखों की दृष्टि को बढ़ाएगा ये नुस्खा। दोस्तों एक बार प्रयोग करें, 10 दिनों के लिए प्रयोग करें एक बार, और आप देखेंगे कि 5 सालों तक आपके गर्दन का दर्द गायब। तो दोस्तों बहुत अधिक जबरदस्त है नुस्खा, इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको घर में ही आसानी से मिल भी जाएगा। तो दोस्तों आप भी इस नुस्खे का प्रयोग करके अपने लिए फायदा उठा सकते हैं और अपने दर्द को हमेशा के लिए गायब कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताना, इसके साथ में हमारी वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जो मेरे भाई इस तरह के दर्द से परेशान है वो इस नुस्खे का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इसके साथ में दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दें। धन्यवाद दोस्तों।